नोट इन माई नेम एक प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। आइए हम जानकारी लेते हैं कि इस प्रोग्राम का रखने का क्या उद्देश्य है, इस प्रोग्राम से क्या तात्पर्य है। मेरा नाम है रमेश पराशर। पराशर जी, जो आज जो देश की हालात हैं, इस पे आप टिप्पणी करिए। देखिए, देश के हालात आज बहुत ही खराब हैं। कहने का मतलब है कि आर्थिक परेशानियों की वजह से लोगों के रोज़गार नहीं हैं, लोगों में महंगाई बढ़ती जा रही है, शिक्षा का हाल बुरा है। इन तमाम जीवन के मुद्दों से, जीवन के जो तकलीफ है उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के एक मुद्दे पैदा किए जाते हैं, इस तरीके का एक सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया जाता है। और असल बात उठाने वालों को इस तरीके से आज जो कत्ल किया जा रहा है, वो एक बहुत ही खतरनाक संकेत दे रहा है समाज के लिए कि ये जो आज के स्थिति है, ये बहुत ही खतरनाक है और हमें इसके खिलाफ खड़े होना ही होगा। दैट इज़ द पॉइंट। तो ये जो हम आज जो देख रहे हैं, जो गौरी लंकेश की हत्या जो हुई है, ये एक सीधा सीधा है कि शी वॉज रेजिंग हर वॉइस अगेंस्ट द फंडामेंटल फोर्सेज एंड द करप्शन एंड ऑल दीज थिंग्स। और आप उसको आप ख़त्म कर देंगे? आप ये एक क्या मैसेज देना चाहते समाज में कि जो भी कोई प्रतिरोध की आवाज़ होगी उसको हम दमन कर देंगे? और दूसरा सबसे खतरनाक बात इसमें जो आ रही है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या, कैसे कहा जा सकता है कि अभी से ये हिंदुत्व फोर्सेस ने किया है या उनसे जुड़े हुए लोगों ने किया है। तो मेरा सीधा सीधा कहना ये है कि आप सोशल मीडिया में देखिए ना, किस तरीके की भाषा यूज़ की जा रही है, किस तरीके से गाली गलौज किया जा रहा है, किस तरीके का उत्सव मनाया जा रहा है, किसी की मृत्यु पर, किसी की हत्या पर, और वो भी एक महिला की हत्या पर, और इस तरीके से उसको कंडम करने की बजाय गाली गलौज पर उतर आए हैं। ये कम से कम ना हिंदू संस्कृति है और ना ये मानवता है, ये बहुत ही जघन्य है और हर तबके को इसको कंडम करने की ज़रूरत है।